बिल्कुल दीपांशु, आज का जो पोजीशन स्टॉक है, हाल ही में मैंने एज माई शॉर्ट टर्म पिक 2:30 बजे वाले सेगमेंट सदाबहार सेठी साहब के सेगमेंट में भी दिया हुआ ओरियंट सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। 345 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, पोजिशनल टारगेट है 380 के, स्टॉप लॉस रखना है 330 रुपए का। ये हाल ही में मैंने थर्सडे को रिकमेंड किया था 335 के लेवल्स पे एज माई शॉर्ट टर्म पिक, 360 के टारगेट, और वो अचीव हो गए। बट उस समय कारण अलग थे, लग रहा था कि इसका टेक ओवर होगा तो उस लिहाज से भी, प्लस सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी तो उस लिहाज से था। बट आज इसको पिक करने का कारण अलग है, एक स्पेशल सिचुएशन वाला स्टॉक है। इसमें कल अंबुजा सीमेंट ने खरीदारी करी है एट द रेट ऑफ 395 पर शेयर, और उन्होंने कुछ 46-47% स्टेक लिया है और 26% के लिए ओपन ऑफर आना है। तो ऐसे मानता हूँ कि इस स्टॉक में जो आप आज खरीद के अगर टेंडर भी करते हो तो आपको जब कभी ये ओपन ऑफर आता है 2-3 महीने में आ जाना चाहिए, तो आपके 50% तो एक्सेप्टेंस रेशियो तो बिल्कुल तय है, बिकॉज फ्लोट वही है 46-47% के अलावा जो भी अगर पूरे भी टेंडर होते हैं तो। बट आमतौर पे वो 50% की जगह मेरे ख्याल में 70-75% का आपका एक्सेप्टेंस रेशियो होना चाहिए, तो उसके एक सेफ बेट है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहेगी। और बाकी आपके ओपन ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बायबैक में, तो उसमें आप टेंडर कर सकते हो। और बाकी भी मुझे लगता है इन द रन अप टू दिस, जब वो सब क्लैरिटी आ जाएगी या उसका जो भी अप्रूवल्स वगैरह आ जाएंगे तो मुझे लगता है स्क्रीन पे ये भाव दिखने लग जाएंगे। बाकी एक अच्छी क्वालिटी कंपनी है, वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, और अब एक अच्छे और स्ट्रांग मैनेजमेंट के हाथों में कंपनी चली गई है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और इस बाजार में एक सेफ्टी भी है, तो खरीदारी करने की सलाह ओरियंट सीमेंट में फॉर अ टारगेट ऑफ